खबर है भदोही से। मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने विकास विभाग, ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक की। शासन के मंशानुरूप जन कल्याणकारी योजनाओं को अंत्योदय तक पहुंचाने का दिया दिशा निर्देश। गोपीगंज स्थित बड़ा शिव मंदिर में नाली के पानी जाने की शिकायत पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। महिला स्वयं सहायता समूहों को नवाचारी कार्यों व उत्पादन में बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किया। मनरेगा, पीएम आवास, ग्राम सचिवालय आदि योजनाओं में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मार्गदर्शन दिए। बता दें भदोही 23 जनवरी 2023 राज्य मंत्री ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास अभी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उत्तर प्रदेश विजय लक्ष्मी गौतम द्वारा ज्ञानपुर गेस्ट हाउस में बैठक कर विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी यशवंत कुमार सिंह द्वारा मंत्री जी को विकास विभाग, ग्राम विकास, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग व कानून व्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति कार्यों से अवगत कराते हुए विभिन्न विकास परक कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। राज्य मंत्री के द्वारा मनरेगा के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जैसे अमृत सरोवर, ग्राम सचिवालय, स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। भदोही से विशेष रिपोर्टर आजाद खान बापू की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो नेतृत्व संभाले हैं दूसरी बार, तब से लगातार हम सभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनपदवार दौरा कर रहे हैं और सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारी योजनाएं जमीन पे धरातल पे ठीक प्रकार से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, लगातार उनकी समीक्षा कर रहे हैं और जो लोग बचे हुए हैं कहीं से उनको लग रहा है कि सरकार को उनको नीतियाँ उनकी योजनाएं उनको नहीं मिली हैं, तो लगातार सभी अधिकारियों से जैसे गाँव में रह रहे लोगों की छोटी छोटी जरूरतें हैं जिनको हमारी योजनाओं का लाभ अब तक जानकारी के अभाव में नहीं मिल पा रहा है कि सारी चीजें ऑनलाइन से ही हो रही हैं, तो लगातार हमारी समीक्षा बैठक हमारे सभी अधिकारियों को गांव तक भेजना, चौपाल कराना और गांव में जो हमारे सभी अधिकारी जाएंगे तो सारे व्यवस्थाओं को देखेंगे क्या है और जितनी हमारी योजनाएं हैं उसको पूर्ण कराएंगे। हम ग्राम विकास के मंत्री हैं तो हमारे ग्राम विकास की जितनी योजनाएं हैं वो ठीक प्रकार से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं इसको देखना हमारा कर्तव्य है और हमारे विभाग में हमारे बहुत ढेर सारी संख्या में हमारी आधी आबादी स्वयं सहायता समूह की हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं और उनको लेकर के हमारी सरकार उनको कैसे रोजगार सुविधा स्वयं सहायता समूह की बहनों को लगातार काम कर रही है, तो इन बहनों को लगातार हम लोग किस तरह रोजगार से जोड़े उनको देखने के लिए और अपने अधिकारियों की बैठक समीक्षा बैठक क्या क्या काम पूर्ण हुआ, हमारा लक्ष्य जो था वो पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ उसको पूर्ण कराने के लिए, चूँकि हमारा उद्देश्य है कि हमारी सरकार की जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं सभी जो हमारे गाँव में रह रहे शोषित वंचित पीड़ित महिला किसान युवा सबके तक पहुंचे तो उसको भ्रष्टाचार मुक्त पहुंचाने के लिए हम सभी लगातार सुपरविजन कर रहे हैं, हमारे अधिकारी भी बड़ी मेहनत से लगातार काम कर रहे हैं, बस ये मॉनिटरिंग होती रहे इसके लिए हम लोग हमेशा समीक्षा बैठक में पहुंच रहे हैं हर जनपदवार। अब विधायक और मंत्री जो है जनता के दरवाजे दरवाजे जा करके और उनके सभी योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। अब ये सरकार है, अब वो सरकार नहीं की विधायक और मंत्री को लोग कभी देखा नहीं करते थे जानते नहीं थे, तो हमारी सरकार बहुत ही जिस प्रकार सरकार को बनाने के लिए जनता ने विश्वास जताया उसी प्रकार जनता के विश्वास पर हमारी सरकार गांव तक जा जाके सभी योजनाओं से लाभ पहुंचा रही है उनको आच्छादित कर रही है। समीक्षा बैठक समीक्षा बैठक में हमारे पास समस्याएं नहीं आई हैं। समीक्षा बैठक में हमने अपने सारी कार्य योजनाओं को जो हमारे विभाग से